बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और हंसता मुस्कुराता रखे। और अल्लाह का शुक्र और करम है कि हम सब भी ठीक हैं। और आज आपके सामने मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो लोग जो है अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, हमारे यहाँ तो काफ़ी जो है ज़्यादा ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा कि रेहान के कपड़े जो है सर्दियों वाले वो निकाल लेती हूँ, और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ मैं। तो अभी न्यू कपड़े तो किसी के भी नहीं लिए, ना मैंने, ना मुस्तफ़ा ने, ना रेहान के। तो बाकी जो पिछले थे कपड़े रिहान के वो मैं अभी निकालने लगी हूँ। तो कहाँ से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक बात और है जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है, बल्कि एक चीज़ है जो कि मैंने आपको दिखानी है स्पेशल, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। इसलिए उसके लिए मैंने स्पेशल आज का जो है ब्लॉग वो बनाया है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मिस नहीं करना। मैं आपको बाद में वो चीज़ जो है दिखाऊँगी या पहले ही दिखा देती हूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी वीडियो बनाने में। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाती, बस आपको मैं दिखा देती हूँ कि वो चीज़ क्या है। तो वो चीज़ जो है मेरे हाथ में है अभी अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले बता देती हूँ कि मुझे वो किसने लेके दी है। तो मुझे एक दो दफ़ा कमेंट आए थे कि आपकी जो वीडियो है वो सही नहीं बनती है, क्लियर नहीं होती है, तो उसके लिए आप कोई लाइट वगैरह। मैं ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो होती थी वो रात की होती थी, मैं शाम में ज़्यादा वीडियो बनाती थी। मेरा टाइम जो है शाम टाइम में होता था कि मैं अभी वीडियो बना लूँ। तो काफ़ी मुझे घर वालों ने भी बोला था कि आपकी वीडियो साफ नहीं है, मुस्तफ़ा भी देखते थे तो ये कहते थे। तो मैंने मुस्तफ़ा को ही बोलना था कि मुझे कोई ऐसी लाइट ले दें जो कि मैं यूज़ कर सकूँ, जिससे मेरी वीडियो जो है वो क्लियर बन सके। तो उन्होंने मुझे ले के दी है, सरप्राइज़ दिया था, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई तब। तब रिहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज ब्लॉग बना रही हूँ स्पेशल ज़्यादा इस चीज़ के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए रिंग लाइट, ट्राइपॉड भी है साथ, जैसे पूरा स्टैंड इसका होता है। तो मुझे अभी इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इनकी समझ नहीं है, लेकिन अभी चैनल बना दिया है यूट्यूब पे तो इन सबको भी समझ लेंगे, ताकि मेरी वीडियो जो है वो अच्छी बन सके और आपको अच्छी लगे। तो फ़िलहाल मैं मोबाइल जो है इस पर लगा के देखती हूँ इस जगह पे कि शायद लग जाए मुझसे। मुस्तफ़ा को आता है लेकिन मुस्तफ़ा अभी घर पे नहीं है, तो अभी कोशिश करके देखते हैं, इसको चला के देखते हैं, लकड़ी लग जाए तोड़ने से बच जाए। तो बस लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि कपड़े बाद में मैं निकालूँ, पहले इसको सेट करके देखते हैं। अभी ये देखें इसको, बस ये चीज़ खोल के मैंने खड़ा कर दिया है, देखो। तो अभी बाकी जो है ये वाली, अगर इसे लंबा ज़्यादा करना हो तो मुझे बताया था कि ये खोल के इसे थोड़ा सा लूज़ करके तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं खोल रही। अभी लाइट जो है वो लगा के देखते हैं कि चल रही है या नहीं, अल्लाह करे चल जाए। ये देखें ये लगानी है, वो कह रहे थे अगर चार्जर वगैरह आपके पास हो तो पहले उसमें लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर ये लैदा से, ये छोटी सी जो लीड है ये दी थी कि अगर वो ना हो तो फिर इसे मोबाइल में लगा लेना। तो मोबाइल के लिए है तो अभी इसमें लगा के देखती हूँ चल जाए। तो ये देखें फाइनली लग तो गई है, लाइट भी काफ़ी सही है, चेंज भी होती है लाइट के। कलर हैं दो, येलो लाइट सा जो है और एक वाइट। तो अभी चेंज करके देखते हैं, अभी नहीं हो रही। ये देखें हो गई है, ये वाइट है, ये होता है अभी लो हो गई है, और ये अभी फिर से तेज। तो दोबारा से भी इसमें मोबाइल में भी सेट करती हूँ। तो अभी सारा कुछ जो है वो सेट तो हो गया है,
जितना मुझसे हो सका तो अभी जल्दी से मैं निकालने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि रेहान जो है वो बाहर तंग कर रहा है अपनी फूफो को और अब्बू को, तो बस जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ। सारे पुराने, ये रिहान का जो बिस्तर था जब रिहान छोटा सा था तब, अभी तो खराब हो गया बेचारा। काफी जो है रिहान ने इसमें अपनी तकरीबन 3-4 माह रिहान इसमें सोया है। तो अभी ये देखिए ये कपड़े हैं रिहान के, अभी पूरे हैं इसे बस एक दफा धो लूंगी और पहना दूंगी हाई नेक के। देखिए ये सारे कपड़े छोटे छोटे से स्वेटर, तो बस अभी जल्दी से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ सारे। ये रेहान को छोटा हो गया है तो ये मैंने निकाल ली, तो ये जिस दिन दूसरी पेटी जो है वो खोलूंगी बड़ी तो उसमें रख दूंगी संभाल के, जो पूरे हैं बस वही निकालूंगी। आ जाओ ये देखिए, ये रेहान का ना फर्स्ट सूट है जो उसने 40 दिन के बाद फर्स्ट पहना था, तो छोटा सा है देखिए। तो अभी मैं मुझे तो अभी ये बहुत बड़े लगा करते थे, उसे पहना देती थी ना रेहान को, तो काफी जो है खुले खुले से और बड़े बड़े लगते थे, लेकिन अभी रेहान को देखती हूँ तो उसे देखती हूँ तो अजीब सा होता है कि रेहान का भी इतना सा भी था। तो बड़े भी हैं ये देखिए, अभी मैंने अपने और मुस्तफा के भी निकाले हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो इस पेटी में है, तो जब मुस्तफा हो गया तब उनको बुलाऊंगी और ये सब उतरवाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये निकलेंगे। उसमें से जर्सियाँ वगैरह चादरें मोती भी होती हैं, तो गर्म चादरें सब कुछ उसमें है, तो वो मैं बाद में निकालूंगी। अभी मुस्तफा नहीं है तो बस यहाँ से मैं यहाँ से वो निकाल लेती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही है, जो गर्मियों का सीजन आ जाए तो सर्दियों के कपड़े ऐसे बस जहाँ जगह मिले वहां रख देते हैं, और जब गर्मी आ जाए तो सर्दियों के कपड़े ऐसे फेंक दिए जाते हैं। मेरी कैब भी निकल आई, अभी तो नहीं थे, लेकिन जब और थोड़ी ज्यादा सर्दी होगी तो मैं ये भी लिया करूँगी। मेरी अम्मी मुझे दे के गई थी। ये रेहान की कैप निकल आई, ये मैंने पिछली सर्दियां ली थी 300 की, एक ये थी और दूसरी वाली जो है वो यहाँ से खुल गई, ये वाला निकल गया और सारी खुल गई, वो सारी खराब हो गई, तो वो बस एक ही रह गई। एक ये भी रुमाल होता है गर्मी में, सर्दियों में ऊपर करने के लिए, इससे मतलब बंदा काम कुम कर रहा है तो इजी हो जाता है दुपट्टा ना होता है। अभी रिहान के और कपड़े भी हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो उसी में है पेटी में, तो वो तो जब खोलेंगे खोलेंगे। रिहान को हो गया था कल बुखार, इसलिए ना मैं आज गर्म कपड़े निकाल रही हूँ, तो बच्चों को तो सर्दी जल्दी हो जाती है इसलिए उसे तो पहनाए, खुद को जब लगेगी खुद के भी निकाल लेंगे। ये चीज देखें बहुत प्यारी निकली,
मेरी फेवरेट जो मेरी अम्मी लोगों ने मुझे सामान दिया था, मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी। और ये मुझे गिफ्ट मिली थी मेरी फूफो की तरफ से। मेरी फूफो गई थी हज करने, जब तो वो लेके आई थी मेरे लिए ये जायनमाज। मुझे ये कलर मैंने पसंद किया था, काफ़ी कलर थे, तो मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। देखिए माशाल्लाह, बहुत इसका जो स्टफ था, कपड़ा जो भी उसे बोलते हैं, ऐसे नरम नरम सा, मुलायम सा, ऊपर देखिए कितना प्यारा है ये। तो मैंने बहुत संभाल के रखा, बस ना रमज़ान में ये लगाती हूँ। तो उसके बाद एक और है जो कि मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, वो लगा लेती हूँ। और ये बस रमज़ान में मतलब नमाज पढ़ के इसको दोबारा से रख लेती हूँ। सब कहते हैं कि मुसाबी लड़ते हैं कि नहीं लगा लो, अच्छा लगता है तो बस यूज ही करो, लेकिन नहीं करती हूँ, कहते कि संभाल के रखूंगी, मेरी बेटी होगी तो मैं उसे दूंगी। तो कपड़े तो मुझे लगता है कि खत्म हो गए। लेकिन छोटे हैं कहीं, कहाँ कहाँ से निकलेंगे अभी सर्दियों के कपड़े, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, गर्म निकले। ये सारे ना वैसे पुराने हैं, पहने हुए हैं सारे, ध्यान में चले तो भी दोबारा से काम पे जाएंगे और तब लेंगे कपड़े, क्योंकि अभी तो हम खुद ही अबू के साथ आ रहे हैं, तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करना। देखिए छोटा सा स्वेटर था रेहान का, देख कितना प्यारा है, उल्टा है मेरा ख्याल। अच्छा छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं बड़े क्यूट लगते हैं, कितना सिंपल सा क्यूट छोटा सा। तो ये भी अभी पूरा नहीं आएगा, देख लूंगी अगर आ गया तो। कपड़े तो खत्म हो गए, ये जायनमाज भी जिस दिन पेटी खोलूंगी तो दोबारा से पेटी में रख दूंगी। तो चल अभी मैंने इन कपड़ों को धोना है, तो कल स्पिनर भी उतारी थी, यहाँ पे रखी हुई थी ऊपर, लेकिन वो पता नहीं क्या है उसे मुसीबत हो गई, चली नहीं है। तो अभी वो भी सही करवानी है। वो कपड़े तो हैं वो जो सारे निकल गए हैं, ये देखें ढेर लग गया इसके कपड़ों का। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हें धोने लगी हूँ, शाम हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, रेहान भी रो रहा है, तो बस जल्दी से इन्हें धो लूँ और व्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मैं आपको एक नए वीडियो में मिलूंगी, मुझे इजाज़त दे अपना और अपने घर वालों का, ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।